ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, पुराना रिवीजन कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, उसके बाद हमारे ट्रांजिस्टर टॉपिक पर आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ कंपोनेंट्स देख रहे होंगे स्क्रीन पर आप सभी के सामने, ठीक है। तो ये सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है, ठीक है। इनमें से कई आप जानते भी होंगे कई कंपोनेंट्स के नाम, जैसे कि ये क्या है यहाँ पर LED, इससे हमने कई सर्किट्स भी बनाए हैं, ठीक है। और ये होता है हमारा ट्रांसिस्टर, ट्रांसिस्टर ऐसे भी दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इनके ऊपर हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं हम। मेन टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिसिटी, तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में जो आती है और जिससे हम हमारे अलग अलग डिवाइसेस को ऑन ऑफ करते हैं और ये वर्क करते हैं, जैसे फैन हमारा वर्क कर रहा है, लाइट्स हमारी वर्क कर रही है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के इट्स वेरी डिफिकल्ट या इम्पॉसिबल ही समझ सकते हैं हम कि हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, नहीं रह सकते आई थिंक, क्योंकि इवन आजकल जो स्मार्टफोन है जिनसे आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं ये भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। कई लोग लैपटॉप से क्लास अटेंड कर रहे होंगे वो भी इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं। अब वो चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी से पर उनमें कोई तार जुड़ा हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज में वायर जुड़े हुए होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं, क्यों। तो सबसे पहली बात, तो इस तरह के टॉवर आपने देखे होंगे कई जगह पर, कभी आप घूमने गए होंगे तो रोड साइड में आपने देखे होंगे, कई खेतों के बीच में होंगे और अलग अलग, मतलब ये बहुत लंबी जर्नी करते हैं ये टॉवर्स, इन पर जो बहुत लंबे लंबे वायर्स होते हैं और कई किलोमीटर्स तक जाते हैं ये, और हर शहर में एक ऐसा पावर ग्रिड होता है जहाँ पर इतने सारे टावर एक साथ होते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी के। तो ये बेसिकली करते क्या है, ठीक है। तो आप मेरे में से कोई बताइए मुझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। हम समझ गए जो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, पर वो होता क्या है एक्चुअल में, ये चीज हम फोर्थ क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये रिवीजन हो रहा है इसलिए सभी को पता है, कोई भी एक बच्चा एक्सप्लेन कर सकता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। नोवन वाय, चलिए। इलेक्ट्रिसिटी एक काइंड ऑफ एनर्जी है, अगर इसको हम डिफाइन करें तो ये एक एनर्जी है, ठीक है। और जैसे हीट होती है, लाइट होती है, उसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है। और एनर्जी के बारे में एक चीज़ बताता हूँ, एनर्जी को हम बना नहीं सकते हैं, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, ठीक है। हम केवल एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ठीक। जैसे कि आप जानते हैं कि डैम होता है इलेक्ट्रिसिटी का, है ना। तो डैम से इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो टरबाइन के ऊपर वाटरफॉल होता है, ठीक है। तो क्या जो इलेक्ट्रिसिटी बनाई उससे हम वापस वाटरफॉल बना सकते हैं, मतलब पानी ऊपर से नीचे गिरेगा, ठीक है, और उस पानी से टरबाइन घूमेगा और टरबाइन घूम के इलेक्ट्रिसिटी बनी, ठीक है। तो वो जो पानी गिर रहा था ना नीचे, वो भी एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी था, और अभी टरबाइन घूम के जो इसने इलेक्ट्रिसिटी बनाई है ये भी एनर्जी। तो क्या इस एनर्जी से वापस हम पानी को ऊपर चढ़ा के फॉल कर सकते हैं, क्या ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं उसको वापस, नो सर। कर सकते हैं बेटा। आपने देखा होगा घर में आपके वाटर पंप होता है ना। वाटर पंप से क्या होता है, जो पानी आ रहा होता है उसको वो खींच के ऊपर तक चढ़ा देता है, या यस सर, प्रेशर यस से हम सर, कार वॉश वगैरह में यूज करते हैं प्रेशर पंप, यस सर, यस है ना। सर, जब भी पानी यस सर, आता है आप अपना पंप ऑन करते हैं, मोटर ऑन करते हैं। तो मतलब यस सर, बात वही है कि ये इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है और इस एनर्जी को किसी भी काम करने के लिए वापस यूज कर सकते हैं। जैसे आपने देखे होंगे बड़े बड़े विंड मिल लगे हुए होते हैं, आप यहाँ से कभी भी इंदौर जाते होंगे तो रास्ते में आप देखते होंगे जावरा साइड में कि कई सारे बड़े बड़े विंड मिल होते हैं, ठीक है। तो वो विंड मिल क्या करते हैं, जो विंड आती है उससे वो रोटेट होते हैं उनके फैन और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। अब वो इलेक्ट्रिसिटी से हम वापस अपने घर में वही फैन लगाते हैं, ठीक है, और उसको पावर देते हैं तो वो घूमना शुरू करता है, ठीक है। तो वो जो फैन वहां बाहर विंड से घूम रहा था, ठीक है, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करके हम यहाँ पर लेके आए विंड एनर्जी को, है ना। विंड एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होके हमारे घर तक आई और घर में हमने फैन में वापस दिया, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी वापस विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। तो इट इज पॉसिबल, वापस ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। उसी तरह आप जानते हैं वो सोलर सेल देखे होंगे, सोलर सेल में क्या होता है कि सनलाइट आती है, सनलाइट से वो सोलर सेल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं और वही इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब उसी इलेक्ट्रिसिटी को हम वापस LED बल्ब में देंगे तो वो वापस रोशनी लाइट देने लगता है, ठीक है। तो मतलब हम एनर्जी को ट्रांसफॉर्म
ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। तो इलेक्ट्रिसिटी भी एक एनर्जी है और इसको हर फॉर्म में हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी में क्या होता है कि बेसिकली एक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। ओके, और इलेक्ट्रिसिटी कन्वर्जन फ्रॉम अदर रिसोर्सेज, मतलब इलेक्ट्रिसिटी एक्चुअल में बनाई गई है। ये मतलब क्या होता है कि जैसे हीट और लाइट, तो ये तो मतलब एक तरह से गॉड ने दी है हमको, भगवान ने दी है। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी भगवान ने नहीं दी थी, तो वो इलेक्ट्रिसिटी एक एनर्जी है जो हमने बनाई है। ठीक है, और ये कैसे बनाई है, हम इसको सनलाइट से बना सकते हैं, इसको विंड एनर्जी से बना सकते हैं, वाटरफॉल की एनर्जी से बना सकते हैं, इवन अभी जो बहुत लेटेस्ट चल रहा है न्यूक्लियर एनर्जी से, तो न्यूक्लियर से भी हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। ठीक है, और थर्मल पावर स्टेशन थे पहले, उसमें कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते थे, लेकिन उसमें बहुत सारा कोल यूज होता था, और कोल जो कि एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, तो वो खत्म हो जाएगा, उसका स्टॉक जब ओवर हो जाएगा तो फिर हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाएंगे। इसलिए हम जो है स्विच कर रहे हैं एक क्लीन एनर्जी की तरफ, जो कोई पोल्यूशन भी ना करे और किस और कोई हमारा रिन्यूएबल रिसोर्स भी उसमें डैमेज ना हो। रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल चीजें जानते हो ना आप क्या होता है? यस हाँ, रिन्यूएबल रिसोर्स वो होता है जिसको हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम हाइडल पावर स्टेशन होता है, डैम, डैम से हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं ना, वाटरफॉल होता है टर्बाइन के ऊपर, तो उस वाटर को वापस वो फ्लो होके जाएगा और उसको कहीं और से वापस फॉल कर सकते हैं और वापस दूसरा टर्बाइन भी घुमा सकते हैं। ठीक है, आप जानते हैं नदी होती है, नदी में तो पानी जो है कंटिन्यूअसली मूव करता ही रहता है, तो वो कहीं ना कहीं से फॉल होगा, फॉल जहाँ हो रहा है वहां पे हम टर्बाइन लगा देंगे, फिर ये वापस पानी बह के कहीं और जाएगा तो वहां एक और टर्बाइन लगा सकते हैं। मतलब उसी रिसोर्स को हम बार बार यूज कर सकते हैं। ठीक है, और नॉन रिन्यूएबल में क्या होता है, जैसे हमने कोल लिया, उसको एक बार लाके जला दिया, तो अब वो जल के खत्म हो गया है, उसे हम वापस नहीं जला पाएंगे। ठीक है, और एक्चुअली वो जो जल के खत्म होता है, तो वो कई सारी गैसेस छोड़ता है एनवायरनमेंट में और एनवायरनमेंट को पॉल्यूट करता है, और कुछ तो पॉइजनस गैसेस होती है, इवन अगर हम वो उतना धुआं अगर किसी रूम में डाल दिया जाए तो मतलब आदमी मर सकता है, इतना पोल्यूशन वो कर देते हैं। ओके, तो नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल भी देख लिया हमने, क्लीन एनर्जी भी देख लिया हमने। ठीक है, क्लीन एनर्जी में देखिए, एक तो ये वाटरफॉल वाला बताया, एक और होता है हमारा सनलाइट, सोलर। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, अगर हम किसी और प्लेनेट के ऊपर रहने जाते हैं, ठीक है, जैसा कि एलन मस्क का नाम सुना होगा जो मार्स के ऊपर ले जाना चाहता है ना ह्यूमन ह्यूमन सोसाइटी को, तो बताइए अगर हम मार्स पे जाते हैं या किसी और प्लेनेट पे भी जाते हैं, तो वहां पर हमें इलेक्ट्रिसिटी कहाँ किस चीज से जनरेट करेंगे, या इवन हम स्पेस में भी गए तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलेगी हमको, व्हाट कैन बी द सोर्स वहां पर? तो मतलब जैसे मार्स पे बोला गया है कि पानी हो सकता है, पर कोई कंफर्मेशन नहीं है, वहां पे कोई नदी नहीं है, तो नदी से हम इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं पाएंगे डैम बनाकर, पे इलेक्ट्रिसिटी अगर उधर बनानी है तो कैसे बनेगी? एनी गैस, अगर वहां इलेक्ट्रिसिटी हमें बनानी है? यस, मार्स पे गड्ढा खोद के पानी आ जाएगा फिर। नहीं तो हम पहले गड्ढा खोदेंगे, फिर उधर पानी आएगा, और उस पानी को फिर ऊपर लेकर आएंगे और फिर फॉल करेंगे, फिर टरबाइन घुमाएंगे। इससे बढ़िया है ना वहां पे हम सोलर सेल लगा देंगे, क्योंकि सन तो वहां पर भी होगा, यस सर। इजंट, है ना? तो सोलर एनर्जी हमारा लिए मेन सोर्स रहेगा, अगर हम आउटर स्पेस कहीं भी गए तो सोलर एनर्जी ही एकमात्र सोर्स है जिससे हम इलेक्ट्रिसिटी ले सकते हैं और डे एंड नाइट फुल टाइम ले सकते हैं। ठीक है, नाइट में सन नहीं होता है, लेकिन वो अर्थ के या किसी भी प्लेनेट के दूसरी साइड तो रहेगा। ठीक है, दिन और रात क्यों होते हैं, क्योंकि हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है, तो मतलब एट ए टाइम किसी न किसी पार्ट में तो सन रहेगा ही रहेगा, तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए हमारे घर में जो इस तरह का स्विच बोर्ड होता है, आपने सभी ने देखा होगा, देखा है? ओके, यस सर। और इस तरह का एक पावर प्लग भी होता है, यस और सर। इस तरह का एक सॉकेट भी होता है जिसमें आप अपना मोबाइल का चार्जर लगाते हैं। यस सर। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 पिन होती है, एक तो ये ऊपर वाली, और इधर ये लेफ्ट और ये राइट। देखिए ये ऊपर वाला जो है, ये इसे हम अर्थ कहते हैं,
और एक होता है लाइव और न्यूट्रल, ठीक है। इसे कुछ लोग लाइन भी बोलते हैं, कुछ फेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये फेज हो गया, यही लाइन हो गया, यही लाइव हो गया, LIVE, लाइव वायर, ठीक है। और ये होता है न्यूट्रल। तो लाइव, न्यूट्रल और अर्थ। अर्थ किस लिए होता है कि अगर किसी भी बॉडी में, अक्सर देखा होगा बारिश के दिनों में ही हमारे रेफ्रिजरेटर में या कूलर में या उसकी बॉडी में करंट आता है, आता है, वेरी गुड। तो वो जो उसकी बॉडी में अर्थ है, एक्स्ट्रा करंट जो आ रहा है उसकी बॉडी में, अगर हमने घर की वायरिंग में अर्थिंग करवा रखी है, तो इसके थ्रू, इस पिन के थ्रू वो जो उसकी बॉडी का करंट है वो ग्राउंड में चला जाएगा और हमें शॉक नहीं लगेगा, ठीक है। तो इसलिए सेफ्टी पर्पस से अर्थ यूज किया जाता है। अगर यूज नहीं भी करें तो भी हमारा जो डिवाइस है वो वर्क करेगा, केवल दो वायर्स पे, लाइव और न्यूट्रल पे। तो न्यूट्रल भी एक तरह से नाम से ही पता चल रहा है, एकदम न्यूट्रल है ना, इससे शॉक नहीं लगेगा। लेकिन जो लाइव वायर है ये बहुत डेंजरस है, अगर इसको आपने छू लिया तो आपकी पूरी बॉडी में, अच्छा किसी को लगा है शॉक आप में से? यस ओके, तो मेरे को फीलिंग बताइए कैसा लगता है शॉक जब लगता है तो। सर, हाथ दुखता है और अलग ही धचका लगता है। बिल्कुल, मतलब धक्का लगता है, झटका लगता है और हम वाइब्रेट करने लगते हैं, राइट? यस। सर पर इसमें अपने आप कैसे लग सकता है सर शॉक? क्यों, जैसे ही हम छुएंगे तो हमको शॉक लगेगा, क्यों लगता है वो मैं बताऊंगा अभी क्यों लगता है। मैंने बताया था इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फ्लो ऑफ चार्ज होती है, ठीक है। मतलब एक चार्ज है जो फ्लो कर रहा है, फ्लो करना मतलब बहना, ठीक है। और आप जानते हैं नदी होती है या फिर समंदर होता है, उसमें लहरें बहती है, पानी बहता है, तो बहता है तो आपने देखा वो ऊपर जाता है और नीचे भी आता है, ठीक है। तो अगर हम नाव लेके उसमें जाएंगे पानी में, तो हमारी नाव ऊपर जाएगी नीचे आएगी, ऊपर जाएगी नीचे आएगी, मतलब वाइब्रेट होगी। तो उसी तरह जब हमारा जो ये चार्ज है वो फ्लो करता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अल्टरनेटिंग करंट दिया है मैंने लेफ्ट साइड में, तो यहाँ ऊपर और नीचे इस तरह की लहर बन रही है, ये फ्लो ऑफ चार्ज है। तो जब ये फ्लो ऑफ चार्ज को हम छू लेंगे तो वो चार्ज हमारी बॉडी के थ्रू फ्लो करेगा, तो क्या होगा, हम खुद ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लग जाएंगे। तो वो इतना फास्ट वाइब्रेट हमारी बॉडी में होने लगता है, इवन हमको दिमाग भी उस टाइम काम नहीं करता है कि करना क्या है इस वाइब्रेट से हटने के लिए, तो इस तरह का शॉक लग जाता है, ठीक है। तो हमको बेसिकली जो रीजन है शॉक लगने का वो यही है कि वो चार्ज जो है वाइब्रेट कर रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है, तो उससे हमारी बॉडी भी अप एंड डाउन होने लगती है, वाइब्रेट होने लगती है। लेकिन एक और टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है जो है डायरेक्ट करंट, ये था अल्टरनेटिंग करंट, इसे AC कहते हैं ना, हमारे घर में जो आता है 220 वोल्ट AC आता है, AC मतलब अल्टरनेटिंग करंट, ओके। लेकिन हम जो बैटरी यूज करते हैं उसमें होता है DC, जिसे कहते हैं डायरेक्ट करंट, ठीक है। इन्वर्टर की बैटरी 12 वोल्ट की DC बैटरी होती है, और हमारे मोबाइल की जो बैटरी होती है 3.7 वोल्ट की DC होती है, और हमारा जो पावर बैंक होता है वो 5 वोल्ट का DC होता है, ठीक है। सर अपनी तो अभी बॉडी पहले से कम करंट रहता है? हमारी बॉडी में भी बिल्कुल पहले से करंट रहता है, एक्चुअल में हमारी बॉडी में न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, और वो मतलब एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी की ही स्पीड से वो जो मूव करते हैं, मतलब जैसे हम मान लीजिए हमारा पैर कहीं किसी गर्म चीज पे लग गया तो एकदम से हम पैर हटा लेते हैं, या जैसे ही काटा चुभता है हम अपना पैर हटा लेते हैं, मतलब इतना फास्ट वो सिग्नल जो है हमारे ब्रेन तक जाता है। तो हमारा ब्रेन जो एक तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स पे ही वर्क करता है, ये तो मान लो, ठीक है। हमारी बॉडी में भी चार्ज होता है, ये तो फील किया होगा आपने, ठीक है। तो हमने देखा अभी दो टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है, अल्टरनेटिंग करंट और DC करंट, ओके। तो हमारी मोबाइल फोन में कौन सा होता है, DC डायरेक्ट करंट, और हमारे घर में जो आ रहा है वो कौन सा है, AC। AC को हम DC में कन्वर्ट कर सकते हैं, DC को हम AC में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ बोलिए। सर सोलर पैनल एक DC करंट होता है, DC वाला हाँ डायरेक्ट? बिल्कुल, सोलर पैनल एक DC पावर जनरेट करेगा, ठीक है। तो उससे हम क्या कर सकते हैं, सोलर पैनल से या तो हम डायरेक्ट कोई आइटम रन करवा लेते हैं, ठीक है, या फिर उसको हम एक बैटरी में स्टोर कर सकते हैं, जो भी सोलर सेल से एनर्जी बनी है उसे हम एक बैटरी में स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में यूज कर सकते हैं, ओके। और अल्टरनेटिंग करंट जो होता है, अच्छा AC की एक बात बताता हूँ, इसे हम डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा, इसे स्टोर नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट करंट जो है इसे हम स्टोर कर पाएंगे, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम स्टोर नहीं कर पाएंगे। मतलब अभी अगर आपके घर में फैन चल रहा है ना,
मतलब आप समझ लीजिए कि ये फैन उसी इलेक्ट्रिसिटी से मिला है आपको जो इलेक्ट्रिसिटी अभी जनरेट हो रही है जस्ट राइट नाउ रियल टाइम में। जो यहाँ पे नियर बाय डैम कौन सा है, गांधी सागर डैम, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बनती है चंबल नदी पर। ओके, तो उस गांधी सागर डैम में अभी लाइव इलेक्ट्रिसिटी जो बन रही है ना, वही एट अ टाइम मतलब फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हमारे घर पे आ रही है और हमारा फैन चल रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर नहीं कर सकते, अल्टरनेटिंग करंट को स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन अल्टरनेटिंग करंट को हम डायरेक्ट करंट में चेंज करके बैटरी में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए कुछ चीजें जो बैटरी से चल जाती है तो उनको वायर की जरूरत नहीं होती, जैसे आपका मोबाइल फोन, ठीक है, और आपका लैपटॉप, लेकिन आपका जो कंप्यूटर है ना उसमें आपको पावर केबल लगानी रहती है। ठीक है, और हमारा इसमें भी जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगा तब हम इसको कनेक्ट करेंगे एसी अडेप्टर से और इसको चार्ज कर लेंगे। तो समझ गए, दो तरह की एनर्जी है। और हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, जो हम ट्रांसिस्टर की बात करने वाले हैं, वो डीसी पर वर्क करते हैं। लगभग सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट डीसी पे ही वर्क करते हैं। ठीक है, और मैंने बताया कि एसी करंट को हम डीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो डीसी को भी एसी में कर सकते हैं। ओके, क्योंकि है तो ये काइंड ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को तो हम इंटरचेंज कर सकते हैं ना एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, तो उसी तरह एसी को हम डीसी में कर सकते हैं, डीसी को एसी में कर सकते हैं। ठीक है, एक सिंपल एलईडी वाला एक्सपेरिमेंट था जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, कई लोगों ने ये बनाया भी होगा। एक छोटा सा बैटरी बनाया था हमने, टॉर्च बनाया था। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ब्लैक कलर का ट्रायंगल और इसके टिप के ऊपर एक माइनस का साइन है, ये इसका ग्राफिकल सिंबल है एलईडी का। एलईडी जो है क्या है, एक डायोड है, और जब दो डायोड मिलते हैं तब एक ट्रांसिस्टर बनता है, मतलब प्रैक्टिकली अगर हम देखेंगे तो। इसमें सिंपली आप देखिए दो पिन्स होती है, एक प्लस होती है एक माइनस होती है। ओके, तो यहाँ पे मैं डायोड या एलईडी इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। एलईडी भी एक सेमीकंडक्टर से बनती है, ठीक है, और ट्रांसिस्टर भी सेमीकंडक्टर से बनता है। जब हम एलईडी के प्लस को बैटरी के प्लस से जोड़ते हैं और एलईडी के माइनस को बैटरी के माइनस से जोड़ते हैं तो ही एलईडी ग्लो करती है, अगर हम उल्टा लगा देंगे तो ग्लो नहीं करेगी। मतलब अगर हम इस एलईडी का प्लस, वॉइस इज नॉट क्लियर, लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए। देखिए जो एलईडी है, एलईडी का प्लस अगर बैटरी के प्लस से जोड़ेंगे और माइनस को बैटरी के माइनस से तो ही एलईडी ग्लो करेगी, है ना, इसे हम पोलैरिटी कहते हैं। ठीक है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव से, तो ही ऑन होगा। अगर पॉजिटिव को नेगेटिव पर जोड़ा, नेगेटिव को पॉजिटिव पर जोड़ा, तो एलईडी ग्लो नहीं करता। तो ट्रांसिस्टर का भी कॉन्सेप्ट कुछ वैसा ही है। ठीक है, तो अभी यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, अब हम वापस ट्रांसिस्टर पर चलते हैं जो आज का मेन टॉपिक रहेगा, अभी तक हम रिविजन कर रहे थे। तो इस तरह का आपने कंपोनेंट अक्सर देखा होगा, कई जगह पर देखा होगा, हर एक सर्किट में देखा होगा लगभग। ठीक है, तो ये जो कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं ट्रांसिस्टर। ये देखिए अलग अलग टाइप का होता है, इस तरह का ब्लैक कलर का बॉडी भी होता है इसका, ठीक है, और इस तरह का एक ब्लैक कलर का बॉडी जिसपे एक हीट सिंक निकला हुआ है, ये अल्यूमिनियम का ऐसा भी होता है, और एक पूरा अल्यूमिनियम का भी होता है। तो ये सारे है ट्रांसिस्टर, इनके फेस अलग अलग है, इनके मतलब इनके फोटोज अलग अलग, इमेजेस अलग अलग दिख रही है, पर ये होते सभी ट्रांसिस्टर है। अलग अलग नंबर का ट्रांसिस्टर अलग अलग बॉडी में आता है, ठीक है, और जो ज्यादा पावरफुल होता है वो ऐसा होता है बड़ा वाला जिसमें ऊपर हीट सिंक निकला रहता है, और जो कम वोल्ट पे काम करता है वो ऐसा सिंपल ब्लैक कलर का फाइबर की बॉडी में आ सकता है। चलिए आगे, तो ट्रांसिस्टर है क्या? तो ट्रांसिस्टर एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है विच इज यूज्ड टू एम्पलीफाई एंड स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। मतलब या तो स्विच करने के काम आएगा या फिर एम्पलीफाई। स्विच मतलब जस्ट ऑन एंड ऑफ, ठीक है, अगर किसी चीज को ऑन करना है और ऑफ करना है तो ट्रांसिस्टर यूज होगा स्विच करने के लिए, और अगर किसी चीज को एम्पलीफाई करना है मतलब वीक सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करना है तो भी ट्रांसिस्टर यूज होगा। वीक सिग्नल मतलब जैसे कि आपने देखा होगा मोबाइल का जो ईयरफोन होता है उसमें आवाज जो होती है थोड़ी स्लो आती है ना, लेकिन उसी ईयरफोन को अगर हम एक एम्पलीफायर में डालते हैं और बड़े लाउड स्पीकर में चला सकते हैं फिर, ठीक है। तो बेसिकली जो आप वो ब्लूटूथ वाला स्पीकर देखते हैं उन सबके अंदर एक एम्पलीफायर बना हुआ होता है जो आईसी या ट्रांसिस्टर बेस्ड हो सकता है, और तभी वो जो मोबाइल की जो लो साउंड है उसको वो एक हाई एम्पलीट्यूड पे बना सकते हैं, ज्यादा एम्पलीफाइड आवाज मिल सकती है आपको।
तो ट्रांजिस्टर बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स का, मतलब कोई भी आईसी या चिप बनी हुई है उसके अंदर ऐसे कई सारे ट्रांजिस्टर होते हैं, कई सारे मतलब मिलियंस बिलियंस, माइक्रो प्रोसेसर में तो बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर होते हैं, मतलब ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक यही है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, अब इट इज कंपोज ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल। अच्छा सेमीकंडक्टर क्या होता है ये कौन बताएगा मुझे? एक होता है कंडक्टर, एक होता है बैड कंडक्टर, मतलब गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर, और एक होता है सेमी कंडक्टर। एनीवन हु नोज? सर, सेमी कंडक्टर इज अ ट्रांजिस्टर। नहीं, सेमी कंडक्टर इज नॉट अ ट्रांजिस्टर, सेमी कंडक्टर इज अ मटेरियल। ठीक है, सेमी कंडक्टर मटेरियल से ये ट्रांजिस्टर बनता है, पर मैं पूछ रहा हूँ कि सेमी कंडक्टर क्या होता है, मतलब आप तीनों बताइए, व्हाट इज गुड कंडक्टर, व्हाट इज बैड कंडक्टर, व्हाट इज सेमी कंडक्टर। चलिए मैं बता देता हूँ, देखिए गुड कंडक्टर मतलब वो मटेरियल जो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास होना अलाउ करते हैं, उन्हें हम कहेंगे गुड कंडक्टर। ठीक है, जैसे ऑल मेटल्स, जितने भी मेटल हैं वो गुड कंडक्टर है, उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। ठीक है, अब होते हैं कुछ बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास अलाउ नहीं करते हैं, कि नहीं मेरे थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। ठीक है, जैसे वुड, वुड क्या है? बैड कंडक्टर। अगर हम वुड की टेबल के ऊपर खड़े हैं और हम इलेक्ट्रिक के वायर को छू लेते हैं तो भी हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता है। रबर, रबर की स्लीपर पहनते हैं हम, और अगर हम इलेक्ट्रिसिटी के वायर को, ओपन वायर को अगर छू लेते हैं तो भी करंट नहीं लगेगा, क्योंकि रबर भी जो है वो क्या है? बैड कंडक्टर है। उसी तरह से वुड भी बैड कंडक्टर हो गया, उसी तरह से प्लास्टिक भी बैड कंडक्टर है। ओके, और जितने कंडक्टर इम्पोर्टेंट होते हैं ना उतने ही बैड कंडक्टर भी इम्पोर्टेंट होते हैं। जैसे हमारा जो वायर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, वो एक कॉपर से बना होता है, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, दैट्स व्हाई वी यूज इट एज अ वायर टू कनेक्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी टर्मिनल्स। बट अगर हम सारी चीजें मेटल से ही बनाएंगे तो उसमें क्या होगा कि कभी भी प्लस और माइनस, मतलब फेस और न्यूट्रल शॉर्ट हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट हो सकता है, इसलिए उनके ऊपर एक कवर चढ़ाना जरूरी है, इसलिए वो पीवीसी मटेरियल होता है जिससे उसके ऊपर एक इंसुलेटर कवर चढ़ाते हैं। ठीक है, तो जितना गुड कंडक्टर इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बैड कंडक्टर भी उतना ही इम्पोर्टेंट है ताकि हमको इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे। ओके, और अब होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल होते हैं जो किसी स्पेशल कंडीशन पर ही इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। सुनना, अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर होते हैं तो वो अलग अलग कंडीशन पर अलाउ करते हैं कि उनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो। जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो गर्म होंगे तो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे उनके थ्रू, नहीं तो नॉर्मली वो बेड कंडक्टर की तरह काम करेंगे, लेकिन अगर उनको गर्म कर दिया तो वो गुड कंडक्टर की तरह काम करने लग जाएंगे। तो इस तरह के मटेरियल सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। जैसे कुछ टेम्परेचर का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ होते हैं जो मॉइस्चर को, ह्यूमिडिटी को फील करते हैं कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रिसिटी पास होगी उनके थ्रू, ह्यूमिडिटी कम है तो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होगी। उसी तरह से कुछ होते हैं जो लाइट के ऊपर वर्क करते हैं कि अगर उनके ऊपर लाइट होगी तो वो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे, अगर उनके ऊपर डार्कनेस है तो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देंगे। तो ऐसे मटेरियल जो किसी कंडीशन में अलाउ कर रहे हैं, किसी कंडीशन में अलाउ नहीं कर रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे सेमीकंडक्टर, क्योंकि वो कभी करने देते हैं कभी नहीं करने देते हैं। ठीक है, तो अभी क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, तो सेमीकंडक्टर, अभी देखिए ये है हमारा ट्रांसिस्टर का सिंबल, और ट्रांसिस्टर दो टाइप के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी। कितने टाइप के होते हैं? एमपीएल एमपीएनपी हाँ, तो दो टाइप के होते हैं ट्रांसिस्टर, एनपीएन और पीएनपी। अब इनको ये नाम क्यों दिया, एनपीएन और पीएनपी, ऐसा नाम क्यों दिया? अच्छा, इन दोनों के सिंबल जरूर देख लीजिए एक बार। एनपीएन ट्रांसिस्टर के सिंबल में ये एरो आउट की तरफ आएगा, बाहर की तरफ फेस करेगा एरो। ठीक है, और पीएनपी में यही एरो जो है अंदर की तरफ फेस करेगा। और ट्रांसिस्टर के तीन टर्मिनल होते हैं, थ्री पिंस होती है उसमें से बाहर आती हुई, उनके नाम होते हैं कलेक्टर बेस एमिटर। ठीक है, पीएनपी में भी वही थ्री होगी, कलेक्टर बेस एमिटर, और जो एमिटर होगा ना उस पर ही एरो होगा। ये देखो, इधर भी एमिटर पर एरो है, इधर भी एमिटर पर एरो है, लेकिन इसमें पीएनपी में जो एरो है वो अंदर की तरफ फेस कर रहा है एमिटर पे, और
और एनपीएन में जो एमिटर पे एरो है वो बाहर की तरफ फेस कर रहा है, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन के फ्लो का डायरेक्शन दिखा रहा है कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा। ओके चलिए, ट्रांसिस्टर तीन लेग वाला कंपोनेंट है और सेमीकंडक्टर से बनता है, और ये दो टाइप के होते हैं एनपीएन और पीएनपी। और ये जो काम करता है वो क्या है, या तो स्विचिंग करेगा या फिर एम्पलीफिकेशन। क्लियर है इतना? यस सर, यस सर। ओके तो देखिए, जो ट्रांसिस्टर हम पढ़ेंगे जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे हम मैक्सिमम, वो है BC547। ये एक कौन सा ट्रांसिस्टर है बेटा, ये एरो देखकर बताइए जरा, ये एनपीएन है या पीएनपी? सर सर पीएनपी, सर पीएनपी, पी एनपी, हाँ अभी मैं बताता हूँ, पीएनपी, ये पीएनपी नहीं है, ये एनपीएन है। पीएनपी। देखिए एरो अगर बाहर आ रहा है तो एनपीएन, पीछे वाली स्क्रीन फिर से दिखाता हूँ, यहाँ देखिए एरो फेसिंग आउटसाइड इट मींस इट इज एनपीएन, एंड इफ द एरो इज फेसिंग इनसाइड देन इट इज पीएनपी। तो इन दिस ट्रांसिस्टर, इन दिस सिंबल वी कैन सी दैट एरो इज फेसिंग आउटसाइड, सो इट इज अ एनपीएन ट्रांसिस्टर। ओके ग्रेट। और जब इस एनपीएन ट्रांसिस्टर को हम देखते हैं तो हमें दिखाई देते हैं इसके थ्री पिन्स। इसमें जो पहला पिन है वो है कलेक्टर, बेस और फिर है एमिटर। राइट साइड से शुरू कर रहे हैं ना, कलेक्टर, बेस और एमिटर। पर ऐसा नहीं है कि हर एक ट्रांसिस्टर में इसी तरह की पिन्स हो, ये केवल BC547 की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये पहली पिन जो होगी कलेक्टर, दूसरी बेस और एमिटर। अगर यहाँ पे कोई दूसरा नंबर का ट्रांसिस्टर होगा तो आपको चेक करना पड़ेगा कि उसका बेस कौन सा है, कलेक्टर कौन सा, एमिटर कौन सा है। ओके रियल में ये ऐसा दिखाई देता है, इसका सिंबल ऐसा दिखाई देता है, और हमने इस सिंबल को 3D इमेज में लेकर इसके नेम्स यहाँ देख लिए, पिनआउट्स देख लिए। ओके चलिए आगे चलें। अब ये हमारा एनपीएन ट्रांसिस्टर है, इसे एनपीएन नाम क्यों दिया? मैंने बताया था एलईडी होता है, एलईडी के भी दो लेग होते हैं जिसमें एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव। तो यहाँ पे पी मतलब पॉजिटिव, एन मतलब नेगेटिव, ठीक है? ओके एलईडी कब ग्लो होता है, जब पी के ऊपर पी दिया, मतलब एलईडी के पॉजिटिव पे पॉजिटिव दिया है ना, और एलईडी के नेगेटिव पे नेगेटिव दिया तो एलईडी ऑन होगा। तो उसी तरह इस ट्रांसिस्टर का भी सिस्टम यही है कि अगर इसके बेस जो कि पॉजिटिव है तो अगर इसको पॉजिटिव देंगे तो ये ऑन होगा, अगर यहाँ पे पॉजिटिव नहीं दिया नेगेटिव दिया तो ये ऑफ रहेगा। ओके और जब ये ऑन होगा, जब यहाँ के बेस पर पॉजिटिव दिया तो ये क्या करेगा, जो भी सप्लाई मतलब जितना भी वोल्ट का नेगेटिव चार्ज इसके एमिटर पर है, एमिटर एन टाइप का है इसका, यहाँ पर नेगेटिव ही होना है, लेकिन जैसे ही यहाँ पर बेस के ऊपर पी आएगा तो वो इस नेगेटिव चार्ज को यहाँ पहुंचा देगा कलेक्टर पर। इस तरह से वर्क करता है सिंपली ट्रांसिस्टर, एज अ स्विच, स्विच की तरह काम कर रहा है ना। जैसे हमने यहाँ पर पॉजिटिव दिया तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो इसको कलेक्टर पर भेज देगा। ओके कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस सर, ओके अगर ये ट्रांसिस्टर पीएनपी होता, मतलब इसका बेस अगर एन टाइप का होता, नेगेटिव टाइप का, तो फिर इसको जो यहाँ पर बेस पर नेगेटिव वोल्ट चाहिए ताकि ये यहाँ पर एमिटर पे जो पॉजिटिव है उसे कलेक्टर पे पहुंचा सके। जस्ट अपोजिट हो गया उसका वर्क, ठीक है? तो अभी हम एनपीएन को ही लेंगे, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। एनपीएन ट्रांसिस्टर जब बेस पे पॉजिटिव होगा तो ये एमिटर पे जो नेगेटिव दिया है इसको कलेक्टर पे पहुंचा देगा, मतलब हमेशा एनपीएन ट्रांसिस्टर के एमिटर को हमें बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना रहेगा। और जैसे ही एक रेसिस्टर के थ्रू पॉजिटिव वोल्टेज बेस पर देंगे तो जो नेगेटिव है वो उसके कलेक्टर पे मिल जाएगा, इस तरह से वर्क करेगा। तो अभी हम क्लास का टाइम भी लगभग हो गया है, मैं 2 मिनट और लूंगा, एक सर्किट हम डिस्कस करते हैं जो अगली बार हम प्रैक्टिकल करेंगे। देखिए एक बैटरी लेंगे और एक ट्रांसिस्टर लेंगे, ट्रांसिस्टर का ये कौन सा ट्रांसिस्टर है, BC547 जो एनपीएन है, तो इसको हम डेफिनेटली कहाँ कनेक्ट एनपीएन। करना है, इसको बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे। तो ये देखिए बैटरी को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया इसको, और अब इसके कलेक्टर पर हम एक एलईडी लगा सकते हैं। एलईडी का नेगेटिव लेग जो है हमने इसके ट्रांसिस्टर के कलेक्टर पे कनेक्ट किया है, और एलईडी का पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ दीजिए। अब इसके बाद हम एक एलडीआर लगाएंगे। हाँ, यस यस पर छोटा वाला तो सर नेगेटिव होता है ना छोटा सर, वाला एलईडी नेगेटिव का होता छोटा है, वाला पेयर।
बेटा हमारा जो ये एलईडी है ना, इसमें दोनों लेग बराबर है, इसमें हमने वायर कनेक्ट कर रखा है इसलिए ये बड़ा दिख रहा है आपको। ओके सर, ओके चलिए, तो अब एक एलडीआर हम लगाएंगे कहाँ पर, ट्रांसिस्टर के बेस और नेगेटिव सप्लाई के बीच में। ये एलडीआर लगाया, एलडीआर क्या होता है, ये लाइट डिपेंडेंट रेसिस्टर होता है। जब इसके ऊपर लाइट होती है तो इसका रेसिस्टेंस कम होता है, और जब इसके ऊपर डार्क होता है तो इसका रेसिस्टेंस ज्यादा होता है। मतलब ये भी एक सेमीकंडक्टर से बना है जैसा मैंने अभी बताया था। और एक रेसिस्टर हम लगाएंगे 100K का, बैटरी के पॉजिटिव सप्लाई और ट्रांसिस्टर के बेस के बीच में। ओके, और इसका स्क्रीनशॉट आप सभी ले लीजिए, जो बच्चा ये कंपोनेंट्स खरीदना चाहे बिल्कुल खरीद सकता है। और अगर इस तरह से कनेक्ट किया तो ये एक डार्कनेस सेंसर सर्किट बनेगा, जो डार्क होने पे लाइट को ग्लो करेगा, और जब रोशनी होगी तो ये लाइट को ऑफ कर देगा। इसका सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका हम प्रैक्टिकल करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, इवन टिंकर कैड के ऊपर, टिंकर कैड वेबसाइट जो मैंने चलाना सिखाया था आपको, उसके ऊपर भी हम ये सर्किट बना सकते हैं और वहां पर भी हम इसको टेस्ट कर सकते हैं। और मैं आपको रियल भी कंपोनेंट से कैमरा के सामने बनाकर बताऊंगा और आपको दिखाऊंगा कैसे वर्क करेगा।